लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। आखिरकार बन गई दुनिया की सबसे बड़ी टनल। जी हाँ, इंतजार अब खत्म हुआ क्योंकि 10 साल बाद मनाली को लेह से जोड़ने वाली 10,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे लंबी हाईवे सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने अब कमर कस ली है। इस टनल के निर्माण कार्य के पूरा होने पर देश के साथ ही पूरे विश्व की नजर टिकी हुई है। यह अंडरग्राउंड हथियार धोखेबाज चीन को कड़ा सबक सिखाने के लिए बनाया गया है। इस टनल का नाम लेह मनाली रोहतांग अटल टनल है। ये सुरंग हर मौसम में भारतीय सेना के काम आएगी। भीषण बारिश हो चाहे बर्फबारी, ये सब में भारतीय सेना के लिए हथियार है। राशन और जरूरी उपकरणों को पहुंचाने में ये टनल कारगर साबित होगी। ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। ये टनल 9 किलोमीटर लंबी है और समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर है। इतनी ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे पहली सुरंग है। 9 किलोमीटर लंबी इस टनल को बनाने में 4,000 करोड़ रुपए लगे हैं। शुरुआती चरण में सुरंग की निर्माण लागत लगभग 1400 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अटल सुरंग के ठीक ऊपर स्थित सेरी नदी के पानी के रिसाव के कारण अटल सुरंग के निर्माण में लगभग 5 साल की देरी हुई। इस सुरंग को 2010 से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के जवान -23 डिग्री सेल्सियस की हड्डी गलाने वाली ठंड में बनाकर तैयार किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सुरंग से लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। पहले लेह और मनाली के बीच की दूरी 473 किलोमीटर की दूरी थी, जो कि अब अटल टनल से 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। 5 घंटे का सफर 10 मिनट में पूरा हो सकेगा। देश को ये बड़ी सफलता पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई अटल सुरंग के कारण मिली है, जिसकी वजह से मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हुई है। इस सुरंग से लद्दाख में तैनात सैनिकों से हमारा संपर्क आसान हो जाएगा। इस टनल में हर 150 मीटर पर टेलीफोन और हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट मौजूद है। इसमें हर 500 मीटर पर इमरजेंसी एग्जिट की सुविधा भी है। ये सुरंग CCTV कैमरों से लैस है, जिसमें कि हर 250 मीटर पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं और हर 2.2 किलोमीटर के बाद यू टर्न है। इसके अलावा अटल सुरंग 13,050 फीट की स्थित रोहतांग दर्रे के लिए वैकल्पिक मार्ग भी है। सबसे खास बात ये भी है कि अटल टनल पर गाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। प्रतिदिन 3,000 वाहन इस टनल को पार कर सकेंगे। लगभग 2.5 घंटे का समय कम और ईंधन की भी बचत होगी। साथ ही साथ इसमें हर 1.1 किलोमीटर पर ट्रैफिक इंटेंसिटी डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। एवलॉन्च की परेशानी से बचने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये टनल सेना की देखरेख में रहेगी। अब ये सुरंग बनकर तैयार है और माना जा रहा है कि 25 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। ये टनल किसी भी दुर्भाग्यवश और अप्रिय हालात से निपटने में कारगर होगी। ये सुरंग भारत का अंडरग्राउंड हथियार है, जो कि आपातकाल स्थिति में बेहद उपयोगी साबित होगा।